रुक जाए एक सेकंड, अनाउंस करने दे। हाय गाइस, वीडियो की जानिब जाने से पहले हम आपको बताते चले कि हम आपके लिए लेके आए एक मुनफरिद चैनल द रिएक्शन हब। इसको सब्सक्राइब करें, चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज। शुगर स्कैंडल की हतमी रिपोर्ट के बाद हुकूमत के लिए एक और बड़ी मुश्किल। रिपोर्ट के हवाले से अंदरूनी राजों से पर्दा हट गया, हुकूमत खुद ही मुश्किलात के साए में घिरने लगी। वजीर आला पंजाब के सर पर भी काले बादल मुंडाने लगे। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई हुई तो हुकूमत भी गिर सकती है। तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त कोरोना की आलमी वबा के साथ साथ पाकिस्तान का सियासी पारा भी काफी उरूज पर है। इमरान हुकूमत जो शुरू से ही एक के बाद एक मसाइल से दोचार थी, उसको कोरोना के साथ ही एक और ऐसा धचका लगा जिसने खुद हुकूमत के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से पहले ही मुल्क में चीनी का बहरान जोर पकड़ चुका था और इस बहरान के आते ही बाजारों में नायाब चीनी महंगे दामों बिकने लगी, जबकि गरीब आवाम भी उसे दुगने दामों खरीदने पर मजबूर हो गई। इस बहरान के आने की अपोजिशन समेत मीडिया ने हकूमत पर दबाव डाला और उसे इस मामले की तहकीकात करने का कहा, जिस पर वजीर आजम ने इस बहरान की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। कमीशन ने चंद रोज में ही अपनी इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें खुद हुकूमत के लिए बड़ा सरप्राइज सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती पार्टी के अपने उम्मीदवारान और इत्तेहादी ही इस बहरान के जिम्मेदार निकले। वजीर आजम ने इब्तदाई रिपोर्ट के बाद इसका फॉरेंसिक करवाने का हुक्म दिया और जब हतमी रिपोर्ट सामने आई तो एक बार फिर उन्ही लोगों के नाम सरे फहरिस्त रहे जो इब्तदाई रिपोर्ट में भी गर्दिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस हतमी रिपोर्ट के बाद से ही मुख्तलिफ हलकों में कयास आराइयां की जा रही हैं कि क्या अब वजीर आजम इनके खिलाफ कोई एक्शन भी लेंगे या नहीं, जबकि हुकूमत की जानिब से इस मामले पर ताहाल कोई जवाब सामने नहीं आया। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस मामले की कुंडली खोल के रख दी है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस रिपोर्ट के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात कर दिए हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जिससे अभी तक सब बेखबर थे? क्या हुकूमत के लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, आईएसआई के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह कोरोना के शिकंजे में फंसा हुआ है और दिन ब दिन इस वबा से मुतासर मरीजों की तादाद में हैरतअंगेज इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इस वबा के दाखिले से पहले ही पाकिस्तान का सियासी माहौल भी खासा सरगर्म हो चुका था। कोरोना के आने से पहले चीनी का बहरान गरीब आवाम की मुश्किलों में मजीद इजाफा कर चुका था। चीनी के बहरान के आते ही बाजारों में भी चीनी महंगे दामों बिकने लगी, जबकि आवाम भी इसको दुगने दामों खरीदने पर मजबूर हो गई। जब इस बहरान ने शिद्दत अख्तियार की तो अपोजिशन जमातों समेत मीडिया ने हुकूमत पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो फौरी तौर पर इस मामले की तहकीकात करवाए। इस दबाव के पेशे नजर वजीर आजम ने इस मामले की फौरी तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया। वजीर आजम के हुक्म के बाद चंद रोज में ही इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। इब्तदाई रिपोर्ट के सामने आते ही हुकूमत को बड़ा धचका लगा, क्योंकि आवाम को लूटने वालों में सरे फहरिस्त हुकूमत के अपने ही उम्मीदवार थे। जी हाँ दोस्तों, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बहरान के जिम्मेदारान में सरे फहरिस्त वजीर आजम के करीबी साथी जहांगीर तरीन, जबकि इनके साथ खुसरो बख्तियार के भाई और स्पीकर पंजाब के बेटे मोने सिलाही ने भी आवाम को चूना लगाया। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, जहांगीर तरीन फौरन खान साहब से मुलाकात करने को पहुंचे, लेकिन खान साहब ने इनकी बातों पर कान ना धरते हुए इस रिपोर्ट का फॉरेंसिक करवाने का हुक्म दे दिया।
रिपोर्ट के फ्रांसक के आने से पहले भी जहांगीर तरीन खुफिया तौर पर खान साहब से सुलह करने की कोशिश करते रहे और अपना नाम सामने लाने के लिए मिन्नत समाजत करते रहे, लेकिन खान साहब ने नो कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी अपनाते हुए किसी भी समझौते के लिए इनको साफ ना कर दी। जैसे ही फ्रांसक रिपोर्ट सामने आई उसमें एक बार फिर जहांगीर तरीन को इस बहरान की जिम्मेदारान का सरगना करार दिया गया और कहा गया कि उन्होंने दोनों हाथों से आवाम को चूना लगाया है और उनके हक पर डाका मारा है। जबकि इस हतमी रिपोर्ट के सामने आते ही जहांगीर तरीन ने सरेंडर करने की बजाय हकूमत समेत इदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। जहांगीर तरीन ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है जबकि मेरे खिलाफ इनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। जहांगीर तरीन ने दो टोक अल्फाज में कहा कि सब्सिडी वजीर आला पंजाब ने दी जबकि चीनी की एक्सपोर्ट की मंजूरी असद उमर ने दी, तो उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, आखिर इनसे सवाल क्यों नहीं किया जा रहा। जबकि इदारों के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की ना अहली के बाद मुझे ना अहल करके इस मामले को बैलेंस किया गया, जबकि नवाज शरीफ की ना अहली के केस के हवाले से इंकशाफ करते हुए उनका कहना था कि उनके केस में उस वक्त के चीफ जस्टिस फैसले पर पूरी तरह असरअंदाज हो रहे थे। जबकि जहांगीर तरीन के बाकी हुकूमती अहदेदारान ने भी इन दिनों मुतअद्दिद बार लबगुशाई की। वफाकी वज़ीर रेलवे ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जहांगीर तरीन का खान साहब के साथ ताल्लुकात का दौर अब खत्म हो चुका है। जबकि खान साहब के एक और करीबी साथी ने भी इस मामले पर बात करते हुए कहा कि ये तासुर गलत है कि जहांगीर तरीन को फंसाया जा रहा है। बेशक जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए काफी खदमात हैं और उन्होंने इलेक्शंस में एक नुमायां किरदार अदा किया, पर तब वो खान साहब के करीब थे, महज इसलिए उन्हें शोहरत मिली। अगर वो ना होते तो उनकी जगह कोई और भी हो सकता था। हुकूमती अहदेदारों के ये सब बयानात जाहिर करते हैं कि हुकूमत अब जहांगीर तरीन के साथ खुशगवार ताल्लुकात रखने के लिए राजी नहीं है। लेकिन जहां ये सब मामला चल रहे हैं वहीं एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने छुपे हुए राजों से पर्दा हटा दिया है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हामिद मीर ने शुगर रिपोर्ट के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। ज़राए का कहना है कि हामिद मीर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्ला को यकीन था कि वज़ीर आज़म इमरान खान शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी में संजीदगी नहीं दिखाएंगे और जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई की जुर्रत नहीं करेंगे। जबकि दूसरी जानब हामिद मीर का कहना है कि उनको यकीन था कि शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी में जहांगीर तरीन का नाम जरूर आएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी जरूर होगी। दोस्तों, ईद से चंद दिन पहले हुकूमत की तरफ से शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का ऐलान कर दिया गया, जिस पर अपोजिशन भी शशदर रह गई। लेकिन अपोजिशन ने यह कहकर इस रिपोर्ट की अहमियत से इनकार कर दिया कि कमीशन ने वजीर आजम इमरान खान का बयान क्यों रिकॉर्ड नहीं किया। हामिद मीर का कहना है कि वजीर आजम का बयान रिकॉर्ड कर लिया जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन इसके बावजूद भी हम शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। इस रिपोर्ट के मंजरियाम पर आने से अगले ही दिन रमजान मुबारक का आखिरी जुमा था और इस जुमातुल विदा के दिन कराची में पीआईए के एक हवाई जहाज को हादसा पेश आ गया। इस अफसोसनाक हादसे के बाद पूरी कौम गम में डूब गई, जबकि एक रोज पहले आने वाली शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट से मीडिया की तवज्जो भी हट गई। लेकिन हामिद मीर का कहना है कि ये रिपोर्ट मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की सियासत पर अहम असरात मुरतब करेगी। हामिद मीर ने कहा कि हम इमरान खान से कई मामलात पर लाख इख्तलाफ करें, लेकिन उन्होंने कमीशन की रिपोर्ट को मंजरेआम पर लाकर एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। लेकिन इसी के साथ ही मीर साहब ने खुद इमरान खान के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है और कहा है कि अगर उन्होंने कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई ना की तो खुद खान साहब के लिए भी बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। हामिद मीर ने इम्कान जाहिर किया कि अगर खान साहब ने इनके खिलाफ कार्रवाई ना की तो इनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद भी आ सकती है, क्योंकि इमरान खान ने इस रिपोर्ट के जरिए मुस्लिम लीग काफ के साथ साथ जहांगीर तरीन ग्रुप को भी नाराज कर लिया है। जबकि इन दोनों ग्रुप्स के पास कौमी असम्बली के कम अज कम एक दर्जन अराकीन की मुकम्मल हमायत मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि शुगर कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट जहांगीर तरीन के मलकियती JDW की मुबैना हेरा फेरियों के अलावा वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की ना अहली को भी सामने लेकर आई है।
हामिद मीर ने यह भी कहा कि अगर इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को हटाने का फैसला कर लिया तो अपोजिशन पर इनकी इखलाकी बर्तरी कायम हो जाएगी और यूं पंजाब में वज़ीर आला को तब्दील करके इमरान खान मरकज में आसानी से अपनी हुकूमत बचाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उनके पास वक्त बहुत कम है। हामिद मीर ने हालात की संगीनी को वाज़ेह करते हुए बताया कि अगर खान साहब ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज ना किया तो बहुत जल्द वो खुद मुश्किलात के भंवर में फंस जाएंगे। लेकिन यहाँ आपको ये बताते चलें कि इमरान खान हुकूमत में ना भी रहे तो इनके दौरे हुकूमत में बनाए गए शुगर कमीशन की रिपोर्ट में शुगर माफिया के खिलाफ बनने वाली चार्जशीट कभी खत्म नहीं हो पाएगी। हामिद मीर ने वाजे किया कि एफआईए के सरबरा वाजिद ज़िया की सरबराही में कायम करदा सात रुकनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा काबिल तहसीन पहलू ये है कि कमीशन में डीजी एंटी करप्शन पंजाब भी शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद कमीशन ने वजीर आला पंजाब के साथ कोई रियायत नहीं बरती। कमीशन में स्टेट बैंक, एफबीआर और एससीसीपी के नुमाइंदे मौजूद थे, लेकिन कमीशन ने इन इदारों के किरदार पर भी खुलकर तनकीद की क्योंकि शुगर माफिया ने इन इदारों की नाअहली और मिली भगत से अवाम को लूटा है। इसी हवाले से 13 मई को जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान की मौजूदगी में मुस्लिम लीग नोन के रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्ला ने कहा था कि अगर शुगर कमीशन जहांगीर तरीन के करीब से भी नहीं गुजरेगा। उन्होंने कहा था कि मैं लिख कर देता हूं कि परवेज इलाही के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जबकि मीर साहब ने राणा साहब से कहा था कि मुझे यकीन है कि तरीन के खिलाफ कुछ न कुछ होने वाला है। हामिद मीर के मुताबिक इनके इस यकीन की वजह शुगर इंक्वायरी कमीशन की साख्त थी। इस कमीशन की अराकीन और खास तौर पर वाजिद ज़िया को साबित करना था कि वो सियासी वाबस्तियों से बालातर होकर काम करते हैं, और अगर आप कमीशन की रिपोर्ट को गौर से पढ़ें तो ये रिपोर्ट वाकई गैर जानिबदारी से तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि वो इस राय से इत्तफाक करते हैं कि कमीशन को वजीर आजम इमरान खान का बयान रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन कमीशन ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वफाकी वजीर असद उमर और अब्दुल रजाक दाऊद के मुतालिक जो कुछ लिख दिया है, इसके बाद इन हजरात को खुद ही अपने ओहदे छोड़ देने चाहिए। उन्होंने इंकशाफ किया कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को कमीशन ने बुलाया लेकिन वो नहीं आए। वो बयान रिकॉर्ड करा देते तो इनके लिए अच्छा होता, लेकिन उन्होंने बयान रिकॉर्ड ना कराकर अपना नुकसान किया। हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि कमीशन ने ठोस दस्तावेजी शहादतों की मदद से जहांगीर तरीन के JDW ग्रुप की मुबैना करप्शन को बेनकाब किया है और बताया है कि किस तरह कुछ लोगों ने एक मतवाजी स्टॉक एक्सचेंज कायम कर रखी थी जहां वो चीनी की कीमतों पर सट्टेबाजी करते और आवाम को दोनों हाथों से लूटते थे। उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट के पैरा 422 के मुताबिक 2017-2018 में स्पेशल ब्रांच पंजाब ने इस वक्त के वजीर आला को बताया कि कई शुगर मिले गन्ने के काश्तकारों को कम अज कम इमदादी कीमत भी अदा नहीं कर रही, और उस वक्त के वजीर आला पंजाब स्पेशल ब्रांच के जरिए इस मामले पर रोजाना रिपोर्ट तैयार करते थे, लेकिन इसका कोई खातिर का फायदा ना हुआ और काश्तकारों को इमदादी कीमत बहुत कम मिली। जबकि इसके बरक्स खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में स्पेशल ब्रांच ने इस मामले पर कभी कोई रिपोर्ट वजीर आला को नहीं दी। हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कम अज कम ये इतराफ तो कर लिया कि शहबाज शरीफ वजीर आला के तौर पर काश्तकारों के साथ शुगर मिल मालकान के जुल्मो सितम पर आंखें बंद करके नहीं बैठे हुए थे, हालांकि उनके अपने खानदान का भी यही कारोबार था। अब दोस्तों, हामिद मीर की बात में वजन तो है कि अगर खान साहब ने इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई ना की तो जो खुद खान साहब भी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं, और आखिर क्यों अब तक इस मामले के मंजरियाम पर आने के बावजूद जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई? क्या वाकई हुकूमत इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है? अब आगे होगा क्या, इसके लिए तो अभी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन मीर साहब की तरह हमारा भी हुकूमत से यही मुतालबा है कि अवाम को लूटने वाला हर शख्स कानून के कटहरे में खड़ा हो और उसे अवाम के हक पर डाका डालने की सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या इमरान खान इन तमाम मुजरमान को सजा देने में कामयाब हो जाएंगे या फिर इस सारे मामले को दबा दिया जाएगा। इस हवाले से आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। मुझे आपकी राय का इंतजार है। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।